जय मसीह के दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम यीशु जीवित है में। सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के प्यार को सब लोग जाने, सब तक ये बात पहुंचे कि वो आज भी जीवित है और हमारे जिंदगियों में बड़े बड़े काम करने वाला है। तो अगर आपके साथ भी परमेश्वर ने कुछ ऐसे बड़े काम किए हैं, आपकी भी जिंदगी में ऐसी बड़ी गवाहियां हैं, तो हमारे साथ शामिल हों और हम दुनिया तक पहुंचाएं कि यीशु मसीह वास्तव में जीवित है। और आप हमसे जुड़ सकते हैं दिए गए नंबर पर और ईमेल के जरिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके प्रेयर रिक्वेस्ट का भी हम स्वागत करते हैं। और आज हम एक और सशक्त गवाही आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, ब्रदर सैमुएल चंद गुरुद्वार से हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ब्रदर, कि आप यहाँ अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे साथ शामिल हैं अपने जीवन से जुड़ी बातों को बताने के लिए। और उसी बातों को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे इस विश्वास की शुरुआत के बारे में, कैसे आपने यीशु मसीह को जाना, चक्कर देखा और परख कर देखा, वो कौन सी घटनाएं हैं। इसके बाद आपने बताया कि किस प्रकार परमेश्वर को आपने जानना शुरू किया, इन घटनाओं के बाद कि जब आपने मसीह को जाना तो आखिर कौन सी बात थी जो आपको अलग लगी और आपका जीवन किस प्रकार बदल गया, यीशु मसीह में आने से पहले क्या था और मसीह में आने के बाद क्या हुआ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं अपनी भांजी को लेकर के धुनबाई कॉलेज में गया और उस मीटिंग में अटेंड किया, और जब वहां पर मैंने परमेश्वर के वचन को सुना तब मैं जाने पाया मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत गलत काम करता था, जैसे शराब पीना। घर में ही पापा और मम्मी के सामने ही मैं घर पर ही हम शराब बनाते थे और पीते थे, और किस प्रकार से परमेश्वर ने वहाँ से मुझे निकाला। और मैंने कहा मैं ये तो बहुत गलत काम करता हूँ, झूठ बोलना, तमाम गाली गलौज करना, तमाम बातें, बुरी बातें मेरे जीवन में थी कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। यीशु ने मेरी से बातचीत करी और मेरी पूरी कमी आंसू से भीग गई। और मैंने कहा यहाँ से जाने के बाद मैं ये सब काम नहीं करूँगा, लेकिन एक सप्ताह ही अपने आप को रोक पाया। और वहाँ पर मेरी मुलाकात एक पास्टर से हो गई थी जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि कभी आप हमारे यहाँ आइए, लेकिन मैं नहीं जाता था, मैं कोई जवाब भी नहीं देता था। और मैं अपने भाई से मिलने मेरठ गया था, वहाँ से मैं लौट करके आ रहा था, वो रास्ते में मुजफ्फरनगर पड़ता था, तो मैंने कहा चल इतना कहते हैं, चलो उनके यहाँ होके जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे लिए थी वहाँ पर। और वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर भी कन्वेंशन हो रही थी, और पास्टर ने कहा कि थोड़ी देर के बाद जब कन्वेंशन खत्म हुई तो हम आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। और जब मैंने वहाँ पर दोबारा परमेश्वर का वचन सुना तो वही मेरी हालत जो देहरादून में थी वही हालत फिर हुई, और तब मैंने कहा प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। और मैंने प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया और प्रभु के साथ उनके साथ मैं 20 दिन रहा। मैं वहाँ से मैंने पत्र लिखा घर पर कि मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, तो पापा ने जवाब दिया यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, आप वहीं रहिए। 20 दिन मैं वहाँ पर रहा, और 20 दिन के बाद मेरा भाई आया, मुझे घर पर लेकर के आए, और पापा ने कहा कि अगर तुम किसी भी क्रिश्चियन से मिलोगे तो हम तुम्हें गोली से मारेंगे। मैं डर गया और मैंने कहा ठीक है मैं किसी क्रिश्चियन से नहीं मिलूँगा। बोले ठीक है वो जो ये करना कर ले, लेकिन जैसा हम करते हैं वैसे ही करना होगा। और इस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा, हमारे वहाँ गाँव में कोई भी क्रिश्चियन नहीं था, ना कि जिससे मैं मदद से, ना बाइबल थी ना कुछ भी था, और परमेश्वर की आत्मा उभारती है और बातचीत करती है, और परमेश्वर की आत्मा बात करती है कि तुम्हें संगति की जरूरत है। और मैं चोरी से 10 किलोमीटर नजीबाद में किसी भी क्रिश्चियन को नहीं जानता था, कोरदार में सिर्फ उस पास्टर को जानता था, तो मैं सामान लेने के लिए 15 किलोमीटर आता था और पास्टर के साथ सामान लिया और पास्टर के साथ प्रार्थना करके वापस चला जाता था। पता नहीं मेरे भाई को कैसे मालूम हो गया कि मैं वहाँ चोरी से जाता हूँ, और वो पीछे पीछे मेरे आए। मेरे भाई को पता नहीं कैसे मालूम हुआ कि मैं प्रार्थना करने के लिए कोरदार जाता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे आ गए। और जैसे वो मेरे पीछे पीछे आए और मैं और पास्टर प्रार्थना में लगे थे, मैं आंखें बंद थी, जैसे मेरे भाई वहाँ पहुँचे उन्होंने मुझे कान से पकड़ा, मैंने आंखें खोल के देखी तो देखा तो अपने भाई को सामने देखा, मैं डर गया। और मेरे मन में एक विचार आया कि परमेश्वर क्या मुझे यहाँ से जाने के बाद मेरे भाई को यहाँ नहीं ला सकता था। लेकिन आज मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया, अगर परमेश्वर नहीं करता तो मैं इतना मजबूत प्रभु में कभी नहीं हो पाता। और उसके बाद घर पर गए, घर पे पापा बताइए वो प्रार्थना कर रहा था, पापा ने कहा हमने तुम्हें मना के क्यों गए,
मैंने कहा बुरा काम करने के लिए नहीं, केवल प्रार्थना के लिए क्या, बोले ये नहीं हो सकता, जैसे हमने आपको पहले भी कह दिया था, और नहीं अगर तुम्हारे हमारे साथ रहना तो वहाँ पर तुम चले जा सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं रहूँगा आपके साथ लेकिन प्रार्थना के लिए वहाँ जाऊँगा। बोले यहाँ हमारे साथ रहना जैसा हम करते हैं वैसे करना होगा। मैंने कहा ये मेरे लिए संभव नहीं है। बोले जो तुम कह रहे हो वो हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए तुम वहीं चले जाओ। मैंने ठीक है, मेरे कपड़े मुझे दे दीजिए, मैं वहीं चला जाता हूँ। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि जिस यीशु से कि तुम प्रार्थना करते हो उसी से कपड़े भी मांगो, और मैं वही जो कपड़े जो मेरे तन पे पहने हुए थे उसी को ले करके मैं कोटद्वार पैदल चल करके आया, पैसे भी नहीं थे। और यहाँ पर आने के बाद मैंने पास्टर के घर गया और वहाँ से मैंने पैसे लिए और मैं मुजफ्फरनगर गया और वहाँ से मैं दुमका कॉलेज में अप्लाई किया और परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर BTH करने का सौभाग्य दिया। वहाँ से कंप्लीट करने के बाद फिर एक दूसरी शुरुआत मेरे जीवन की होती। कोई काम नहीं था, ट्रेनिंग कर ली थी, 3 साल की ट्रेनिंग कर ली थी, घर भी वापस नहीं जा सकता था। तो 3 महीने का समय मैंने प्लेटफार्म पर गुजारा। उसमें से प्रभु तू जीवित परमेश्वर है, अद्भुत काम को करने वाला है, ना मेरे पे घर है ना काम है और ना मैं कहीं रह सकता हूँ। और तब पर एक स्कूल में मुझे 200 रुपये में नौकरी मिली, 160 का मैंने कमरा लिया और उसी से मैं प्रभु में बढ़ता चला गया। और ट्यूशन पढ़ाता था, संडे को एक चर्च मिला, बोले 100 रुपये पे करेंगे, मैंने कोई बात नहीं वहाँ आऊँगा, और उससे अधिक मेरा किराया भी खर्च हो जाता लेकिन मैं फिर भी जाता था। परमेश्वर ने मुझे आशीष दी और उसके बाद शादी हो गई, एक छोटे से कमरे के अंदर हम रहना शुरू किया और बहुत थोड़े पैसे थे लेकिन परमेश्वर मेरी वाइफ एक छोटा सा जॉब करती थी 800 रुपये का, जिसमें हमें कमरे किराया और 300 रुपये हमें पर मंथ उनके स्कूल तक जाने के लिए खर्चा निकालना पड़ता था। और इस प्रकार से जीवन चल रहा था। परमेश्वर ने मुझे पढ़ाया और 7 साल के बाद मेरी वाइफ को परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब दिया। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से ही होने पाया। ये परमेश्वर जीवित और चिंदा है और वो अद्भुत कामों को करने वाला है। इसलिए मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे वहाँ से गया। प्रभु में जब आप बढ़ते हैं तो बहुत से ट्रायल्स, बहुत से टेम्पटेशन आपके जीवन में आएंगे, और जब वो टेम्पटेशन आते हैं आप घबराइए नहीं। जब आप परीक्षा देंगे तभी पास होंगे, तभी आप तरक्की करेंगे। ये मैं आपको बता, ये मेरा अपना अनुभव है कि जैसे ही आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा का मतलब है आप अगली क्लास में जा रहे हैं। परमेश्वर ने वो सौभाग्य मुझे दिया और मैंने उस कार्य को किया, और उसके बाद परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में कार्य किया। और परमेश्वर ने, जो चर्च में कोई नहीं आता, मैं बराबर लोगों के पास जाता था, विजिट करता था, लोगों को कहता चर्च में आइए, और बहुत साल तक कोई भी चर्च में नहीं आया। सब कोई भी मना नहीं करता था कि हम चर्च में नहीं आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता था। और तब मैंने प्रभु से बात की, प्रभु मैं तेरी सेवा बड़ी आराम से और सच्चाई के साथ और पवित्र सा करता हूँ, लेकिन कोई भी चर्च में नहीं आता है। और प्रभु ने कहा कि तुझे लोग चाहिए या मैं चाहिए, और तब मैंने कहा प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, अगर तू मेरे साथ यहाँ पर है तो मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और प्रभु ने वहाँ पर मुझे रखा और उसके बाद मैंने कहा मैं किसी का प्रचार करने के लिए नहीं जाऊँगा, और उस दिन से प्रभु ने अपना कार्य शुरू किया। बहुत कुछ बताया आपने ब्रदर अपने जीवन के बारे में। तीसरी बात मैं ये जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आपके जीवन में फिर कौन से ऐसे बड़े काम हुए, आश्चर्य कर्म की बात या कोई गवाही की बात, जिसने आपके जीवन में इतनी आशीष दी कि आप लोगों तक पहुंचाए कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या बड़े काम किए। प्रभु हम इन लोगों को कहां पर बिठाएंगे। प्रभु ने 2015 में हमें चर्च हमारे को बड़ा किया, 40x40 का कराया, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने सारी आशीष दी और फिर हमारे हमने अपना घर को बनाया, परमेश्वर ने मेरी वाइफ को जॉब गवर्नमेंट जॉब दिया और तो हमने ज़मीन खरीदी, मकान बनाया और आज इसमें रह रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन 28 साल तक हमारे पास कोई भी जो है संतान नहीं थी, और 2016 में 1 जनवरी को
मेरी वाइफ ने, हम लोग चर्च में अलग प्रकार से कहते हैं, जो हर साल हमने मांगा उसी प्रकार से परमेश्वर ने किया। साल 2013 में हमने मांगा था परमेश्वर कि हमको इज़राइल जाना है, परमेश्वर हमको इज़राइल लेकर गया। और 2014 में हमने कहा प्रभु हमें आत्मा चाहिए, तो चर्च इतनी आत्माएं परमेश्वर ने दी कि चर्च के बाहर तक लोग खड़े होते थे। और तब हमने कहा प्रभु हमें बड़ा चर्च चाहिए 15 में, और परमेश्वर ने 15 में हमें बड़ा चर्च दिया। और उसके बाद 2016 में मेरी पत्नी और मैंने वो चर्च में कहा कि हमें इस साल संतान चाहिए, और परमेश्वर ने अगस्त के महीने 15 अगस्त को कंफर्म कर दिया कि हमारे घर के अंदर परमेश्वर जो संतान देने जा रहा है, और वो भी जुड़वा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन सारी बातों के लिए। परमेश्वर एक एक बात की ध्यान रखता है और उन बातों को पूरा करता है। इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर को महिमा देता हूँ। और परमेश्वर जो है बड़ा अद्भुत है, और किस प्रकार से मैंने प्रभु को जाना, चाहे क्योंकि वो जीवित और जिंदा है, वो जब मुलाकात करता है तो आप खड़े नहीं रह सकते, आप टूटेंगे। और मेरे जीवन में भी वही हुआ, परमेश्वर ने मुझे तोड़ा और अद्भुत बातें सिखाई। और वो अद्भुत बातें कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को ठीक करना। मैं और आप कई बार इस संसार में जीते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन हमारे संबंध परमेश्वर के साथ ठीक नहीं होते। तो हमें अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ ठीक करना है, इसलिए मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को ठीक करें। जब संबंध ठीक होते हैं, जो परमेश्वर से हम मांगते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर मेरे और आपको देगा, क्योंकि ये परमेश्वर के वायदे हैं। और परमेश्वर जो है किस प्रकार से अद्भुत काम करता है, मैं और जब उसके पास आते हैं वो अद्भुत कार्य करता है। महिमा अपने परमेश्वर को देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर इसके लायक है, वो अद्भुत बातें करने वाला परमेश्वर है। मैं सारा आदर सम्मान उसी महान परमेश्वर को देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर गवाही के साथ ब्रदर, अब मैं चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे इन्हीं हालातों से गुजर रहे होंगे आज, जैसे आप। बहुत लोग होंगे जो परेशानी में है, कष्ट में है, मसीह के पीछे चलना चाहते हैं या उसको अभी तक जाने नहीं है, सच्चे परमेश्वर की तलाश में है और दुख में जीवन बिता रहे हैं। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन तमाम भाई बहनों से भी कहना चाहूंगा जो मेरी तरह अपनी जिंदगी की स्ट्रगल को झेल रहे हैं और किस प्रकार से वो सोचते हैं कि हमारे जीवन का क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यीशु के स्वास्थ्य को चेक कर देखिए। और यीशु कभी बदलता नहीं है, वो छोड़ता नहीं है। अगर आप उसके पास आएंगे तो वो आपको छुएगा और अद्भुत बातें आपके जीवन में करेगा। और वो जो है आपको आपकी हालत से निकाल के बाहर करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे श्रेणी से बाहर हो। और परमेश्वर आपको आपकी परीक्षा से बाहर करेगा और परमेश्वर आपको उठाएगा और आपके लिए अद्भुत रास्ते निकालेगा, क्योंकि वो आपके लिए अद्भुत कल्पनाएं करता है। लेकिन मेरे और आपको उसके चरणों के पास बैठ करके उसकी नज़दीकी में आने की आवश्यकता है, कि जब हम अपने मुँह से उससे प्रार्थना करके मांगेंगे तो परमेश्वर देगा। तो मैं तमाम उन भाई बहनों से जो हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो आकर के परमेश्वर के स्वाद को चखें और उससे अपने संबंधों को ठीक करें। जब संबंध ठीक हो जाएंगे तो दुनिया की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे उसने मुझे दी वो आपको भी देगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, क्योंकि वो जीवित और जिंदा परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करता है। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो आश्चर्यकर्म करता है। मैं सारी महिमा आदर सम्मान उसी को देता हूँ। और मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना ही आपके जीवन को बदल सकती है, आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। और आप जो है इस संसार में एक खुशहाल प्राणी बन सके, और परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में भी लेकर के जाएगा, क्योंकि उसने वादा किया मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। आप इस प्रकार से करेंगे, आप निश्चित रूप से, मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है आशीष पाएंगे। कोई भी चीज परमेश्वर आपसे रखनी छोड़ेगा कि आप उसके बेटे और उसकी बेटी बन जाएंगे।
धन्यवाद देता हूँ। और सबसे आखिरी में ब्रदर, मैं चाहती हूँ हम सब शामिल हो प्रार्थना में, और आप हमारे देखने वाले सभी दर्शकों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें कि जो स्वाद प्रभु का आपने चख लिया, जो सच्चाई आपने जान ली, वो हम सब तक भी पहुंचे कि यीशु मसीह वास्तव में जीवित है। तो हम प्रार्थना में शामिल होंगे, छोटी सी प्रार्थना आपके जरिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना मैं आप सबके लिए करना चाहता हूँ कि आप भी परमेश्वर से आशीर्वाद करें। आइए हम आंखें बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम उन भाई बहनों के जो चिंतित और परेशान हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु मुसीबत में घिरे हुए हैं, और पिता परमेश्वर तू उनके साथ हो। प्रभु होने दे, उनकी सहायता कर, और पिता परमेश्वर उनको आशीष बर कर दे, ताकि वो भी उस आनंद को जो स्वर्गीय आनंद है और इस संसार में जो अनंत खुशी है उसको ले सके। जिस प्रकार से तूने मुझे वो अनंत खुशी और अनंत जीवन दिया है, उसी प्रकार से तमाम मेरे तरह के भाई बहनों को जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वो उससे बाहर निकल सके। सारी महिमा जदा तुझे देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और उसके बाद आखिरी में मैं अपने सब देखने वाले दर्शकों से गुजारिश करूंगी, अगर आपके जीवन में भी कहीं वो परमेश्वर की प्यास है, अगर आपके जीवन में भी ऐसा है कि आप सारे तरफ से एक अपमान की बातें सुन रहे हैं, निराशा की बातें सुन रहे हैं, या डॉक्टर से सब नेगेटिव बातें सुन रहे हैं, और दुनिया में कोई इलाज नहीं है, किसी प्रकार से जो बातें असंभव हैं, तो हम जाने कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं और कुछ भी असंभव नहीं। उस पर आशा लगाए रहें, क्योंकि यीशु मसीह वास्तव में जीवित है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।